हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। अभी मैं आज थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है तो मैं सिर्फ चावल बना रही हूँ, तो चावलों के लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट के रख ली है और यहाँ पर कुकर भी चढ़ा दिया है। कुकर के अंदर मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने जीरा डाला था और फिर साथ में मैंने डाला टमाटर। टमाटर डालने के बाद में मैं ये सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ। सब इन सब्जियों में मैंने रखे हैं फूल गोभी रखी है, गाजर है और मटर है, इन तीनों को मैंने कट किया है। तो शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च डाली है। जितनी भी सारी सब्जियाँ होती है ना घर में, वो सब डाल करके चावल बनाए जाएँ। सर्दियों की मतलब सर्दियों में जो ये नमकीन चावल बनते हैं ना, इसके तो मज़े ही अलग है, क्योंकि गर्मियों में इतनी सारी वेजिटेबल की है ना वैरायटी नहीं होती है, लेकिन सर्दियों में होती है। यहाँ पे आलू मैंने ज़्यादा से डाले क्योंकि आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावल के अंदर, तो यहाँ पर मैंने ना आलूओं को भी डाल दिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया सारी सब्जियों को। थोड़ा सा कुक करने के बाद में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले। मसालों में वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और उसके बाद में इन सारे मसालों को मिक्स करके और इसके अंदर पानी डालूंगी। तो जितने मैं चावल लेती हूँ उसके डबल मैं उसके अंदर पानी डालती हूँ। जैसे एक कटोरी चावल लिए तो दो कटोरी पानी डाल देती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुकर नहीं ख़रीदा क्या? तो मैं कुकर ले रही थी, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि ना, मैंने वीडियो में बोल दिया था ना, तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके मना किया कि तू ना कुकर वहाँ से मत ले, अपनी खुद की शॉप होते हुए वहाँ से ले के अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने फिर सोचा कि हाँ ये बात भी सही है, मैं नहीं लेती हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि मैं तू यहाँ पर आएगी जब 2-3 दिन में मैं देखो दे दूँगा। अब इनके 2-3 दिन कब होंगे वो तो यही जाने, लेकिन मैंने फिर वहाँ से कुकर नहीं ख़रीदा था और सही भी है ना, वहाँ से ख़रीद के लाना क्या मतलब है जब। और यहाँ पर देखिए मेरे जो चावल है वो ऑलमोस्ट तैयार ही हो गए हैं और देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है ना, तब भी आप बनाओ ना सिंपली आलू डाल करके, तब भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो नमकीन चावल बहुत पसंद है, कोई ऑप्शन नहीं हो तो नमकीन चावल खा सकते हैं, लेकिन पति को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, वरना मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आज एक्चुअली है ना हमारे घर में छठी पूजी जा रही है, तो जब बच्चा होता है ना घर के अंदर, कोई नया मेहमान आता है, नया बेबी होता है, तो उसके 6 दिन बाद छठी पूजी जाती है, भय माता की पूजा होती है, तो आज वही हो रही है हमारे घर में। और घर की जितनी भी बहन बेटियां होती हैं और बहुएँ होती हैं वो सब मिल करके ये करती हैं, मतलब बेटियां जो होती हैं घर की वो पूजा करवाती हैं और जो घर की बहुएँ होती हैं वो पूजा करती हैं। तो यहाँ पर ना पास में मेरी चाची सास रहती हैं, बुआ सास रहती हैं, वो लोग आई हुई हैं और यहाँ पर भैया आग तप रहे हैं, हाथ तप रहे हैं। और मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे कहा था ना कि मेरी नंद आई हुई है, तो वो तैयारी करने में लगी हुई है, क्योंकि छठी वाले दिन ही है ना नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जो बच्चा होता है ना उसको इतने दिन तक उसको पुराने कपड़े पहनाते हैं, पहली बार नए कपड़े छठी वाले दिन ही पहनाते हैं। तो यहाँ पर बस सारी तैयारियाँ वगैरह चल रही है, खाने की प्रिपरेशन चल रही है किचन में और यहाँ पर पूजा की तैयारी चल रही है। आप में से काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि छोटी बेबी से मिलवाना, तो ये देखिए ये रही हमारी छोटी सी गुड़िया, अभी बस सो रही है और आज इन्हीं के लिए छठी की पूजा हो रही है, आज इन्हीं के लिए सब लोग आए हुए हैं। तो भाई भी पास में सो रहा है, तो ब्लेसिंग्स देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर जो दीदी है ना हमारी नंद है, वो भय माता बना रही है, तो गोबर से भय माता बनाते हैं और कहते हैं कि ना आज के दिन बच्चों का भविष्य लिख के जाती हैं भय माता। तो यहाँ पर दीदी ना भय माता बना रही हैं गोबर से और उसके बाद में जो देवरानी है वो पूजा करेगी, फिर उसके बाद में हम सब करेंगे एक एक करके पूजा। यहाँ दीदी पूजा करवा रही है और देवरानी ने कर लिया, ढोक लगा रही है वो, और फिर उसके बाद में हम लोग भी कर लेंगे। यहाँ पे वंशु अभी तक सोया ही पड़ा है। तो सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे भी छठी की ऐसे भय माता की पूजा होती है क्या, तो आप लोग बताइएगा। पूजा में बस ज़्यादा कुछ नहीं रखते, चावल बनाए थे और चावल बूरे का भोग लगाया था और साथ में रोली मोली और जो क्या बोलते हैं हल्दी, इन सब को रख करके और पूजा करी थी। एक कंडी जलाते हैं बड़े बूढ़ों के नाम की, उसमें होम करते हैं और यहाँ पर ना देवरानी कॉपी के अंदर ना भविष्य लिखेगी अपनी
मतलब लिखती है माँ कि अच्छी हेल्दी लाइफ हो और ऐसे, मतलब जो भी लिखना है वो लिखते हैं बच्ची के लिए, बच्ची का हाथ लगवा करके कॉपी के। तो वही हो रही है, मतलब एक रिचुअल है ये हमारे यहाँ पर, होता ही है। हर्षित की बारी में भी हुआ था, फिर वंशु की बारी में भी हुआ था, और अब ये गुड़िया हुई है हमारे घर में, तो इसके लिए भी हो रहा है। तो आप नाम सजेस्ट कीजिएगा, क्या नाम रखना चाहिए हम लोगों को। वैसे इसका नाम है ना सैपर और गैपर निकला है, तो आप लोग बताइएगा कि किस पे नाम, मतलब क्या नाम रखना चाहिए। और यहाँ पर वो देवरानी जो है उसका, उसके लिए लिख रही है कि भगवान जी हे भय माता, आप है ना हेल्दी और सुख शांति रखना, स्वस्थ रखना, एक अच्छा इंसान बने। तो सबसे मेन तो यही होता है कि एक अच्छा इंसान बने। तो और यहाँ पे बस ढोक लगा लिया है उसने, और वो बच्ची को भी ढोक लगवा लेगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये भय माता की पूजा होती है छठी वाले दिन। फिर 15 दिन या महीने, सवा महीने बाद तगा अलग बनता है, तो वो अलग से होगी पूजा। तो हो सका तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी तो छठी की पूजा हो रही है तो मैंने उसी का बनाया। उसके बाद में सब लोगों ने बस खाना खाया, खाने में पूरी आलू मटर की सब्जी और दाल चावल थे। ये हमारी बुआ सास है, और ये खाना खाते समय ना कुछ भी नहीं बोलती है इनका, मतलब एक होता है ना सब अपने अपना ले लेते हैं नियम, तो इनका ये नियम है कि ये खाना खाते टाइम कुछ भी नहीं बोलती है एक शब्द भी। तो चलिए एक बार इन सबसे मिलवा लेती हूँ आपको। तो जो कोने कोने में बैठी हैं, ये मेरी बोदला वाली बुआ जी हैं, बोदला में रहती है आगरा में, और ये उनके पास में जो बैठी हैं रेड शॉल में, ये मेरी चाची सास है, ये यहीं पर ही रहती है पास में हमारे। और उनके पास में बैठी हैं वो हमारी, मेरी ताई सास की बहू हैं, मेरी देवरानी लगती हैं वो, और ये मेरी बुआ सास हैं ये। गुड मॉर्निंग एवरी वन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होकर बिल्कुल मजे में होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे और मेरे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। कल भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, हरारत हरारत हो रही थी, पूरा शरीर ऐसा दुख रहा था। और आज तो सुबह से बस पूछो ही मत, ऐसा लग रहा है कि बस सोती रहूँ। लेकिन कल हर्षित का बर्थडे है, कल है 24 जनवरी, तो कल हर्षित का बर्थडे है, तो मेरे से बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है। मेरे ना गला एकदम ऐसे हुआ पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। और आप में से कई, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि ना मैं गुड़िया को दिखाऊँ, तो मैंने वीडियो में गुड़िया को भी दिखा दिया है छोटी जी को। आप नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि उसका क्या नाम रखें। सै पर, एस पर और गै यानी जी पर निकला है नाम तो राशि का, तो आप बताइएगा क्या नाम रखना चाहिए। और आपके यहाँ पर छठी कैसे पूजी जाती है ये भी आप बताइएगा, क्योंकि सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। कईयों के तो ऐसा होता है कि छठी पूजी नहीं जाती हो शायद, और कईयों के होगा कि शायद पूजी भी जाती हो। तो क्या बनता है छठी वाले दिन और कैसे बनती है पूजा होती है, तो बताइएगा। और मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है, कल हर्षित के बर्थडे की भी तैयारी करनी है। और हर्षित एक्साइटेड है कल के लिए? बहुत बहुत बहुत, कल बर्थडे है मेरा, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। मैं बोल रही थी कि है ना अब बड़ा हो गया, बर्थडे बर्थडे मत बनाया कर, लेकिन बोल रहा है कि नहीं बड़ा हो गया तो क्या हो गया ना। मुझे डायलॉग में आ रहा है कि सब बच्चों की मम्मी बोलती है कि मम्मी माँ बाप के लिए ना बच्चे बड़े नहीं होते कभी, और आप ऐसी मम्मी हो जो बोल रही हो कि बड़ा हो गया है। बच्चों का सही रहता है, जब छोटा बनना होता है ना, मतलब जहाँ पे छोटा बन करके फ़ायदा उठाना होता है ना, वहाँ पे मम्मी अभी तो मैं छोटा हूँ, और जहाँ पे बड़ा बन के फ़ायदा उठाना होता है वहाँ पे बड़ा हो गया, यही होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि साड़ी वगैरह अच्छे से नहीं दिखी है, तो मैंने साड़ी खोल कर इसलिए नहीं दिखाई कि मेरा वैसे ही ना पूरा घर ऐसे फैला सा हो रहा है, कहीं से आओ तो फैला हो ही जाता है ना, तो इसलिए मैंने कुछ ना खोल कर नहीं दिखाई थी कि खोलूँगी फिर उनको बंद भी फोल्ड भी करना पड़ेगा, नई साड़ियों को तो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। जैसे बाहर से कपड़े उतार के ला रही हूँ ना अभी, तो अभी मैं बस ऐसे पटक देती हूँ, फिर ये होगा कि है ना साड़ियों को तो फोल्ड भी करना पड़ेगा, तो नहीं हो पाता है। और जब अगर शरीर साथ नहीं देना थोड़ा, तो फिर और ज़्यादा ऐसा लगता है। और वैसे भी है ना साड़ियों का क्या है, मैं फिर दोबारा किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी, या फिर ना पहनूंगी तो देख लोगे आप, मैं तो डेली सी ही आप लोगों के सामने आती हूँ,
तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।